हाय दोस्तों, आपका स्वागत है नाइस बिल्डर एंड डेवलपर्स में। मैं हूं शादाब खान। यह है अपना उम्बरमाली रेलवे स्टेशन। ये लोग उतरे हैं ट्रेन से, अभी जा रहे हैं कल्याण नासिक नेशनल हाईवे की तरफ। ये लोग जा रहे हैं और ये अपना उम्बरमाली रेलवे स्टेशन, ये कसारा से एक स्टेशन पहले है उम्बरमाली रेलवे स्टेशन। इसका अगला स्टॉप कसारा है। ये लोग जा रहे हैं हाईवे की तरफ। ये ट्रेन जा रही है कसारा की तरफ। ये कसारा जा रही है ट्रेन। अभी विदाउट आईडी टिकट नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को सफर करने में। ये सब दुकानें भी बंद चल रही हैं लॉकडाउन की वजह से। ये लोग जा रहे हैं सब पैदल हाईवे पे। हाईवे सामने ही है बिल्कुल। ये सब दुकानें हैं स्टेशन के बाहर की और ये गाड़ी पार्किंग है और यह है स्टेशन के बाहर का व्यू। थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लोज करके दिखाता हूं। यह है उम्बरमाली रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन और ये सामने कल्याण नासिक नेशनल हाईवे। ये लोग जा रहे हैं हाईवे पे और वो गाड़ियां जो जा रही है, वो भी हाईवे से जा रही है, तो हाईवे बिल्कुल पास में है। और ये है अपना कल्याण नासिक नेशनल हाईवे। और ये सामने है हाईवे फेमस होटल। बिल्कुल स्टेशन के पास में है होटल। ये जो गाड़ियां आ रही हैं, ये सब कसारा से आ रही हैं कल्याण की तरफ, यानी मुंबई की तरफ जा रही हैं। और इधर से जो गाड़ियां जा रही हैं, ये सब कसारा यानी नासिक की तरफ जा रही है। अभी हम हाईवे पार करते हैं। ये हाईवे और ये हाईवे को लग करके ये तलवी दरबार होटल, काफ़ी अच्छा होटल है, मशहूर होटल है। हम लोग खाना चाय पानी नाश्ता इधर ही करते हैं। आप भी घर लेने के बाद चाय खाना पानी नाश्ता इधर ही करिए। काफ़ी अच्छा होटल है ये होटल है, काफ़ी खूबसूरत भी है। ये है दलवी दरबार होटल। अब यहाँ से निकलेंगे दलवी दरबार होटल से हम अपने साइड की तरफ। यहाँ से 3 मिनट लगता है अपने साइड को पहुँचने के लिए। हम यहाँ से आपको दिखाएंगे कि शेयरिंग ऑटो जीप वगैरह कहाँ से मिलती है अपने साइड पे जाने के लिए, तो हम आपको दिखाते हैं। ये लोग जो खड़े हैं, ये सब नासिक जाने के लिए खड़े हैं। यहाँ से इनको शेयरिंग में टेम्पो वगैरह मिल जाती है, तो ये लोग यहाँ से जाते हैं। ये सब खड़े हैं सब नासिक की तरफ जाने के लिए। अभी ट्रेन जब आती है तो काफ़ी भीड़ होती है। अभी तो खैर लोग चले गए, कुछ लोग बचे हैं। ये है अपना कुछ दुकान, सब फ्रूट की दुकानें हैं। और ये है ऑटो स्टैंड। यहाँ से बस ऑटो जीप वगैरह मिलती हैं, जो 10 रुपया लेती हैं और शिरोल गांव छोड़ते हैं। और शिरोल गांव से पहले ही अपना साइड है। और ये अपना है पुलिस स्टेशन सामने। और ये हाईवे, ये हाईवे से रास्ता गया हुआ है अपने साइड की तरफ। ये रास्ता गया हुआ है। ये सुबह 8 बजे का टाइम है। लोग अभी थोड़ा कम चल रहे हैं अपने घरों से, फिर भी गाड़ियां चालू होंगी, अभी दिखेंगे आपको। ये देखिए गाड़ियां चालू हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। रोड 24 घंटे चालू है। लोग पैदल भी जाते हैं, लोग पैदल भी सफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली गाड़ियों से आते जाते हैं, पैदल भी आते जाते रहते हैं। ये देखो लोग पैदल जा रहे हैं।
ड्रीमलैंड वगैरह बन रहा है, ये ड्रीमलैंड का बोर्ड भी लगा है, ड्रीमलैंड बन क्या रहा है, काफ़ी हद तक बन चुका है बिल्कुल, और घूमने की बहुत सारी जगहें बन रही हैं। ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं ये सब 10 रुपया लेती हैं अपना शिरोल गाँव तक के लिए। बारिश का मौसम है इसके लिए सब पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मौसम काफ़ी खुशगवार होता है, मतलब बारिश के मौसम में तो ठंडा है ही, खैर गर्मी के मौसम में भी ठंडा ही होता है। ये अपना हाईवे सामने दिख रहा है और ये है उम्बरवाली रेलवे स्टेशन भी सामने दिख रहा है। हम आपको हाईवे दिखाते, ये सामने हाईवे दिख रहा है, ये पहुंच गया अपने साइड के बिल्कुल करीब। ये सब कंपनियां इधर बनी हुई हैं, ये कंपनियां सब बनी हुई इधर। अभी 8-9 महीने पहले कुछ डेवलप नहीं था, 8 महीना तो खैर ज्यादा हमने बता दिया, 6 महीना पहले कुछ डेवलप नहीं था, लेकिन देखो मकान बन गए, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम स्लो है, वरना अभी तक तो पूरा फुल हो जाता, फिर भी काफी हद तक डेवलप चालू है, ये सब मकान बने हुए हैं। ये देखिए सामने व्हाइट कलर का बोरिंग भी दिख रहा है, मतलब पानी है, आप अपना पर्सनल बोरिंग भी मारना चाहते तो बोरिंग मार सकते हैं, और हम तो अपने साइड पर बोरिंग का भी पानी देते हैं और पाइपलाइन का भी पानी है, पाइपलाइन आ जाएगा, पाइपलाइन का पानी है, बोरिंग का भी पानी है, तो आप खुद भी अपना बोरिंग मारना चाहते तो मार सकते हैं, यानी पानी है, पानी का टेंशन नहीं। ये सब डेवलप चालू है, मकान बन रहे धीरे धीरे करके। ये अपना पूरा साइड, वो जो फाउंडेशन दिख रहा है यहाँ से लेकर के इधर अपना पूरा साइड है, ये रोड जो है आया हुआ है, हाईवे से रोड आया हुआ है, अभी हमने आपको दिखाया, ये हाईवे से रोड आया हुआ है और ये रोड को लग करके अपना साइड है। ये सब रोड के ऊपर गाले बने हुए हैं, फाउंडेशन मारे हुए हैं, अभी काम धीरे धीरे करके चालू है। देखो मिस्त्री आ भी गए हैं, आज भी काम चालू है। और ये है अपना शिरोल गांव, गांव में लाइट, पानी, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, मदरसा सब कुछ अवेलेबल है, कुछ टेंशन नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। और इस गांव के आगे 23 गांव और है, रोड 24 घंटे चालू है। अब हम आपको दिखाते हैं अपना साइड, ये है अपना पूरा साइड, और ये साइड के अंदर में हमने निकाला है 24 फुट का रोड, 24 फुट के, ये है 24 फुट का रोड, 24 फुट के रोड पे हमने निकाले हैं 12x25 300 square feet के सब गाले, जिसकी कीमत है 1,75,000 रुपया। इसमें आपको 15,000 रुपया बुकिंग अमाउंट देना है और 6,000 रुपया मंथली EMI, 18 से 20 महीने का टाइम। और इसी 24 फुट के रोड से हमने निकाला है 10 फुट का रोड, 10 फुट के रोड पर 12x25 300 square feet का एरिया है मकान के लिए, जिसकी कीमत है 1,30,000 रुपया। इसमें आपको देना है 15,000 रुपया बुकिंग अमाउंट और हर महीने उसके बाद EMI देना है 5,000 रुपया, 18 से 20 महीने में आपको क्लियर करना है, 2-4 महीने आगे पीछे भी। ये है 12x25 300 square feet का एरिया, फाउंडेशन बना हुआ है, सब बिक चुका है। और इसी 10 फुट के रोड पर अगर आपको रेडी पोजीशन में चाहिए 12x25 300 square feet का एरिया 1BHK, तो वो भी मिल जाएगा, जिसकी कीमत है 4,75,000 रुपया। इसमें आपको 50% देना होगा, जिसमें आपको पोजीशन यानी चाबी दे दी जाएगी, बाकी का आपको 18 से 20 महीने में पे करना है। और अगर इसी 10 फुट के रोड पर 10x20 200 square feet का एरिया आप लेते हैं 1RK के लिए ओपन प्लाट, उसकी कीमत है 1,00,000 रुपया, जिसमें आपको 11,000 रुपया बुकिंग अमाउंट देना है और हर महीने 3 से 4,000 रुपया मंथली EMI देना है। और अगर आपको रेडी रूम चाहिए तो रेडी रूम भी मिल जाएगा, जिसकी कीमत है 2,75,000 रुपया। इसमें आपको 50% देना होगा, आपको पोजीशन यानी चाबी दे दी जाएगी, बाकी का 18 से 20 महीना EMI। तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमारा प्लाट बुक हो चुका है, तो आप भी बुक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद को हो सकता है आपकी वजह से घर मिल जाए। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।